ये जो आबू पर्वत है इसका प्राचीन समय का जो गायन है जो पांडवों के लिए जो कहते थे जो खांडव प्रस्थ उनको मिला था तो ये वही आबू पर्वत है। अच्छा खांडव प्रस्थ। हाँ पांडवों को माउंट आबू में हम लोग अभी होटल सर्च कर रहे हैं लेकिन यहाँ का जो दृश्य आप देख रहे हो बहुत ही कोहरा है, मतलब सारे बादल यहाँ पे नीचे ही आ जाते हैं। यह है एकलिंग जी महादेव और यहाँ की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर महादेव अपने आप प्रकट हुए थे और ये मेवाड़ के राजाओं का मंदिर माना जाता है। अभी हम लोग एकलिंग जी के दर्शन करके अब माउंट आबू के लिए निकल गए लेकिन एकलिंग जी में हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ा मंदिर खुलने का क्योंकि यहाँ पे समय का बड़ा वो खेल है, मतलब आप सांवरिया सेठ नाथ द्वारा और एकलिंग जी यहाँ पे पूरे समय से अगर आप पहुंचे तो आपको दर्शन हो जाएंगे, अगर आप समय से नहीं पहुंचे तो आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। यहाँ पर समय समय पे दर्शन होते हैं, हर एक घंटे आधे घंटे में यहाँ पे द्वार बंद हो जाते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें दर्शन हो चुके हैं अभी बाबा के और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं माउंट आबू के लिए। लेकिन मंदिर बहुत ही खूबसूरत है लेकिन वहाँ मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप अगर आपने फोटो भी खींच लिया तो कोई ना कोई आपको वहाँ के कैमरे से देख लेगा और वो फोटो आपके मोबाइल में से डिलीट करवा देगा, इसलिए आप कभी अगर यहाँ आए तो कैमरे का ना यूज ना करें। और एकलिंग जी आने के लिए अगर आप कुंभलगढ़ से एकलिंग जी आना चाहते हैं तो आए, लेकिन सिंगल रोड है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा ज्यादा लेकिन बहुत सिंगल रोड है, छोटा रोड है एकदम, हम लोग उसी से आए। थोड़ी परेशानी हुई है लेकिन थोड़ा मतलब रोड बेकार है, वो रात का समय तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, रात के समय आप कभी यहाँ से ना आए। और सबसे बेस्ट रूट जो है वो तो आप उदयपुर से जो नाथ द्वारा के लिए फोर लेन से जाते हैं वहीं से रास्ता कटता है एकलिंग जी के लिए, उस रास्ते से आए सबसे बेस्ट रूट है वो। अभी हम लोग आबू रोड हमने पकड़ लिया और हम लोग अब माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं। अभी उदयपुर के बाईपास से हम लोग निकल चुके हैं और अब लोग ढूंढ रहे हैं बढ़िया कोई राजस्थानी ढाबा मिल जाए तो बढ़िया राजस्थानी खाना है, व्यंजन खाने का मजा लुप्त उठाया जाएगा। क्यों मयूर? वैसे मयूर का पेट खराब हो चुका है तो मयूर ज्यादा लुप्त नहीं उठाएगा, वो थोड़ा थोड़ा लुप्त उठाएगा। आबू की चढ़ाई कर रहे हैं, बारिश हो रही है और काफी फॉग भी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा नाइट एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो माना जाता है कि रात को वहाँ पे मार्केट अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है, इसी आशा के साथ हम रात में ही विचार किया कि अभी चलते हैं ऊपर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कितनी फॉग है बाहर, माउंट आबू में हम लोग अभी होटल सर्च कर रहे हैं लेकिन यहाँ का जो दृश्य आप देख रहे हो बहुत ही कोहरा है, मतलब सारे बादल यहाँ पे नीचे ही आ जाते हैं, मतलब बादलों में हम लोग ऊपर पहुंच गए, मतलब कहने का ये है बादल तो उनकी जगह पे है, हम लोग बादलों की जगह पे आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोगों को 2 दिन हो चुके हैं राजस्थान में और अब हम लोग माउंट आबू पहुंच गए थे कल रात में, जैसे कि आपको मालूम है मैंने बताया था रात को हम लोग यहाँ पे माउंट आबू पहुंच गए 9 बजे के आसपास, हम लोग यहाँ पे माउंट आबू पहुंचे थे। रास्ते में मेरे हिसाब से नाइट में कभी माउंट आबू आओ तो रेन के समय, मतलब यानी कि रेनी सीजन में अब अवॉइड करें रात में माउंट आबू ऊपर आना क्योंकि बहुत ही फॉग था रास्ते में, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी ड्राइव करी और एक रश ये भी हो गया हमारे साथ कि आज सैटरडे और कल फ्राइडे था तो सैटरडे संडे की वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, मतलब यहाँ पे सारी होटलें फुल थी, मतलब 2 घंटे लग गए हम लोगों को होटल ढूंढने पे यहाँ पे। तो आप कभी भी आए तो वीकेंड अवॉइड करें, अगर आपको कभी माउंट आबू आना है तो वीकेंड में ना आए क्योंकि वीकेंड में तो रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जिन होटल एवरेज है उन होटल को अभी रेट जो है 4 से 5 हज़ार था समथिंग कल रात को और हमें 2 घंटे लगे, बट यह है कि हमें होटल अच्छा मिल गया था फिर भी रेट भी उसके वाजिब थे। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं माउंट आबू घूमने के लिए,
एक हमारे भैया हैं दीपक भैया, वो हमें आ रहे हैं यहाँ पे, जो हमेशा से यहाँ मतलब कई सालों से वो माउंट आबू ही रह रहे हैं, वो हम लोगों को घुमाएंगे, देखते हैं अब कहाँ कहाँ जाते हैं। फाइनली हम लोग कंप्लीट हो गए, नीचे आ गए होटल से और अब हम लोग निकल रहे हैं नक्की लेक के लिए। नक्की लेक के पास में हमें दीपक भैया मिलेंगे, दीपक भैया के मिलने के बाद देखते हैं अब कहाँ कहाँ घूमते हैं हम लोग माउंट आबू में। चलो लेट, चलो हम लोग अब नक्की लेक के लिए निकल रहे हैं। नक्की लेक के बाद फिर हम लोग जाएंगे पांडव भवन, देखते हैं अब कहाँ कहाँ घूमते हैं आज माउंट आबू में। लेकिन आज रश बहुत है, सैटरडे संडे होने के कारण वीकेंड चल रहा है तो सारे लोग ऊपर आ गए आसपास की सिटीज के। जिन दीपक भैया का मैं इंतजार था वो दीपक भैया हमारे साथ आ गए हैं। ये दीपक भैया है हमारे, दीपक भैया हमें आज का टूर का गाइड कर रहे हैं। दीपक भैया हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर। वहाँ पे क्या क्या है गुरु शिखर में? गुरु शिखर माउंट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऊंचा पॉइंट है मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ फोटोग्राफी कर सकते हैं खाली आप? माउंट आबू का सबसे ऊंचा पॉइंट है। आप जहाँ अभी लेके गए थे जो मंदिर बनता, वो कौन सा मंदिर था? वो दिलवाड़ा टेम्पल। वो क्या काई के लिए फेमस है वो दिलवाड़ा टेम्पल? एक्चुअली वहाँ स्वर्ग के मॉडल्स बने हुए हैं, कहते हैं कि जो देवी देवताओं का जो स्वर्ग है वो ऊपर आकाश में, तो वहाँ पूरा ऊपर स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब स्वर्ग कैसा होगा वो यहाँ दे सकते हैं आप, जीते जी आप स्वर्ग यहीं देख लो जैसा आप कहना चाह रहे हैं। हमारे दीपक भैया ओम शांति ओम है और वो पिछले 20 सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और पर्वत है, इसका प्राचीन समय का जो गायन है, जो पांडवों के लिए जो कहते थे जो खांडव प्रस्थ उनको मिला था, तो ये वही आबू पर्वत है। अच्छा, खांडव प्रस्थ, जो पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला था, जो उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया हुआ था, मतलब इसको स्वर्ग बना दिया फिर उन्होंने। तो ये आबू पर्वत जो है गुजरात से शुरू होता है तो दिल्ली तक इतना लंबा है आबू पर्वत। अच्छा, वो लंबा फैला हुआ है। सही है, आबू पर्वत माला जो है ना, हाँ, जो रास्ते में हम आ रहे थे उदयपुर होते हुए देखते हो, ये पूरे तो दिल्ली तक पूरा है। अच्छा, फाइनली हम लोग गुरु शिखर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी और दीपक भैया के साथ हम लोग गुरु शिखर जा रहे हैं। 20 साल बाद इनसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है। बचपन में इनके साथ क्रिकेट बहुत खेला करता था, बहुत छोटा था तब, और ये लोग मेरे को झाड़ू प्लेयर बोलते थे। काफी तेज हवा चल रही है यहाँ पे और गुरु शिखर की चोटी पे हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, आ जाइए। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी धुआंधार हो रही है, धुआं हो रहा है और हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। यहाँ पे माउंट आबू की सबसे टॉप चोटी पे हम लोग पहुंच गए हैं और आप मेरे पीछे रश भी देख सकते हैं, काफी रश है यहाँ पे, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफी फोग इस वजह से नीचे का नजारा बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है, लेकिन रश काफी है यहाँ पे। गुजरात से काफी लोग यहाँ आ जाते हैं क्योंकि सैटरडे संडे गुजरात बड़ा पास में, तो सैटरडे संडे सब लोग यहाँ पे वीकेंड मनाने आ जाते हैं। लोग पीस पार्क आए हुए हैं और ये पीस पार्क का निर्माण किन्ने करवा था दीपक भैया? अच्छा, ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ही इस पीस पार्क का निर्माण कराया गया है। देलवाड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग नक्की लेक घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पे दीपक भैया बता रहे थे यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट है, तो आप यहाँ विजिट करें और जो भी अगर घर के लिए सामान चाहिए तो यहाँ से लेके जाएं। दीपक भैया सही बात ही है। अभी हमारे दीपक भैया ने एक और चीज बताई है, जो नक्की लेक आप देख रहे हो ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि ये देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाई गई हुई लेक है, इसको नक्की लेक बोलते हैं। जीरो विजिबिलिटी आ गया, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। फाइनली हम लोगों ने माउंट आबू जितना में एक्सप्लोर करना था वो हम लोगों ने कर लिया और अब हम लोग माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए माँ अम्बा जी जा रहे हैं और यहाँ से अम्बा जी लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर होगा और
कैसा क्या रहा मयूर और अमित, आज का टूर हमारा माउंट आबू का? बहुत सुहावना, बहुत ही प्यारा मौसम रहा। ये तो है, अगर आपको कभी आना है तो बारिश के टाइम में आप आ सकते हैं, बहुत मस्त माहौल रहता है यहाँ पे। बढ़िया रहा कि हमें यहाँ पे दीपक भैया मिलने थे, दीपक भैया दीपक भैया ने हमें बहुत जल्दी सब जगह को घुमा दिया, जहाँ जहाँ घूमना चाहिए था, जो जो घूमने लायक जगह थी, और ब्रह्म कुमारी के बारे में उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीजें बताई, और ब्रह्म कुमारी के आश्रम में उनको उन्होंने पूरा हमें घुमाया, कहाँ पे कैसा क्या रहता है, कहाँ खाना बनता और कितने लोग यहाँ रहते हैं, काफी अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया यहाँ पे।